हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस पेपर में मैं फर्स्टली तो ये पेपर है दिसंबर 2016 का, और जैसा कि मैं सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट जो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6 वो कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पेपर में इसी यूनिट के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। सेक्शन बी में और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस आए थे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम सेक्शन बी पे, ठीक है, और देखते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 41। सेक्शन डी में जो इस यूनिट से क्वेश्चन आया 41 से आए हुए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट रिपोप्लाटिक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, कह रहा है इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है सिम्प्लास्ट पाथवे को ऑफ वाटर फ्लो From the epidermis to endodermis in the plant root। तो आपको देखना है सिम्प्लास्ट को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। वाटर मूव थ्रू सेल वॉल्स एंड एक्स्ट्रा सेलर स्पेस विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। ये तो एपोप्लास्टिक का है तो ये नहीं होगा। वाटर ट्रेवल्स अक्रॉस द रूट कॉर्टेक्स वाया द प्लाज्मोडेस्माटा। जब प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर करता है तो क्या होता है, वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। तो ये तो सही है, फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर क्रॉसेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इन इट्स पार्ट ट्वाइस। अगर ट्वाइस करेगा तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों होगा, ठीक। ये एक तरफ से जाएगा एक तरफ से निकलेगा। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द टोनोप्लास्ट। अक्रॉस अगर करेगा टोनोप्लास्ट के फिर भी ये एपोप्लास्टिक हो जाएगा। तो जब केवल वाटर रूट कॉर्स प्लाज्मोडेस्माटा के वाया ही ट्रैवल करेगा तो वो होगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। द हर्बिसाइड डाई क्लोरोफेनिल डाई मेथिल यूरिया DCMU के बारे में आपने पढ़ा होगा, पूछ रहा है ये किस स्टेप को इनिबिट करता है। क्या यह सिग्मिक पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड को इनिबिट करता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, यही करता है। आपने अच्छे से पढ़ा है कि DCMU जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है P680 to P700, ठीक है। और जो दो ऑप्शन है इसके गलत है, जैसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड पाथवे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम P700। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला। 43 पे आते हैं। Which one of the following compounds is not a part of alkaloid class of secondary metabolite? Secondary metabolite के बारे में आप पढ़ते हैं, alkaloids होते हैं, phenolic होते हैं, terpenes होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा alkaloid नहीं है। Lignin क्या है, ये phenolic compound है, ये alkaloid class का नहीं है। Indole, ट्रोपेन, pyridoline, ये सारे क्या हैं alkaloid के तो हैं। बढ़िया सा चार्ट दिया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी के बुक में, ठीक है, एल्कोलाइड क्लासेस के बारे में। इसमें ये सारे तो आपको मिलेंगे, लिग्निन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लिग्निन क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, यही इसका लास्ट है सेक्शन बी में इस यूनिट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंड्यूसेस हाइफल ब्रांचिंग ऑफ अर्बेस्कुलर माइक्रोलॉजियल फंजाई, अ फिनोमिनन दैट इज ऑब्जर्व्ड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय दीज फंजाई। कह रहा है कौन सा हार्मोन्स है जो इंड्यूस करता है हाइफल ब्रांचिंग को अर्बेस्कुलर माइकोफंजाइल माइक्रोलाइजल फंजाई के इनिशियल स्टेज में जब वो कॉलोनाइज करता है। तो ये तो मुझे बुक में कहीं नहीं मिला, पर नेट पे देखने पे मुझे मिला कि स्टाइरोगोलैक्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, स्टाइरोगोलैक्टोन्स ये हेल्प करते हैं, यही ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं हम सेक्शन बी पे, सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से, वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 102 से, जो कि बहुत ईजी था। ये फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है जेड स्कीम से होते हुए। फॉलोइंग आर द इंडिकेट्स एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया गया है दोनों फोटोसिस्टम के बारे में, और क्या क्या रहा है हम इसको अगले उस पेज में देख लेते हैं। ऊपर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट कौन से इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के सही हैं। P680 से सबसे पहले जाता है PQA को, फिर QNB को, फिर इसको, फिर फियोफाइटिन को जाता है।
गलत है ये, यहाँ पे ये कौन सा स्टेप सही होगा, ये सी वाला। जब पी सिक्स एट्टी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहले जाता है प्यू फाइटिन को, तब जाता है क्यूनोन्स को, बीच में आता है साइटोक्रोम बी सिक्स से, तब जाता है प्लास्टोसाइनिन को, और लास्ट में जाता है पी सेवन हंड्रेड को। और जब दूसरे वाले को देखेंगे बी या डी में से कौन सा सही है, तो सबसे पहले ए ज़ीरो आता है ना कि ए वन, जो इस दोनों का अपोजिट स्टेटमेंट है ये। ए ज़ीरो को जाएगा, तब ए वन को जाएगा, तब एफ ई एस एस एक्स को जाएगा, तब एफ ई एस ए बी आते हैं, लास्ट में फेरेडॉक्सिन को जाता है ये। ओके, तो कौन कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट इसका सही होगा, बी और सी। तो हम बी और सी को ले लेंगे यहाँ पे, बी और सी सेकेंड ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। फिर आ गया एक बार वही से फाइटोक्रोम से कॉप वन, ठीक है, तो दोबारा आया है, इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फाइटोक्रोम मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज लिंक टू मेनी अदर जीन फंक्शंस। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्शन, चार चीज़ें ए बी सी डी, चार स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कौन सा तीन स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि तीन, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको तो सभी में तीन तीन दिखाया है, इसका मतलब तीन स्टेटमेंट सही होगा, गलत वाला आपको पकड़ना है, या तीन सही अगर आपको आता है तो चूज करना है। देखते हैं, फाइटोक्रोम फंक्शन रिक्वायर्स कॉप वन एंड ई थ्री यूबिकेट लाइगेज दैट ब्रिंग अबाउट प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये सही है, जो कॉप वन है वो क्या है, ई थ्री यूबिक्यूटिन लाइगेज है जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, तो ए सही है। कॉप वन इज स्लोली एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोक्रोम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो ऑप्शन है आपका, ये भी सही है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में कॉप वन जो होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, दोनों HY5 के बारे में दिया हुआ है। सी में देखते हैं, HY5 इज टारगेटेड बाय कॉप वन फॉर डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये यहाँ पे एक्चुअली डिग्रेडेशन के लिए जाता तो है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं, डार्क में जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो डी वाला सही होगा। HY5 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये, जो इन्वॉल्व होता है फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, ए और बी डी स्टेटमेंट हमारे सही है। चलते हैं 104 पे। 104 वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है। द C4 कार्बन साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इज अ CO2 कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म है। C4 साइकिल C3 के अपोजिट जो होता है, कैम भी होता है एक, ठीक है। इवॉल्व टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन के लिए ये इवॉल्व हुआ है C4 साइकिल। द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे के कुछ चार इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, कह रहा है कौन से तीन कॉम्बिनेशन सही है। ऑप्शन में देखिए, तीन ऑप्शन सही है इसका, ठीक, तो तीन ऑप्शन आपको देखना है, एक कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है, ठीक। द लीव्स ऑफ सी प्लांट्स हैव क्रैंज एनाटॉमी दैट डिस्टिंग्विश मेसोफिल एंड बंडल सीड सेल। यस, C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। बी पे आते हैं हम, देखते हैं बी जो है, इन द पेरीफेरल मेसोफिल सेल एटमॉस्फेरिक CO2 इज फिक्स्ड बाय पेप फॉस्फोनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज यील्डिंग अ 4-carbon acid। ये भी सही है, पेरीफेरल मेसोसेल में एटमॉस्फेरिक CO2 जो होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज के द्वारा 4-carbon acid में कन्वर्ट किया जाता है। ये सी उसी का अपोजिट है कि द इनर लेयर ऑफ मेसोफिल NAD मैलिक एंजाइम डीकार्बोक्सिलेट्स 4-carbon acid एंड रिलीज CO2। ये गलत है, मेसोसेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। डी पे आते हैं, CO2 इज अगेन रीफिक्स्ड थ्रू केल्विन साइकिल इन द बंडल सीड सेल। CO2 का फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल के थ्रू बंडल सीड सेल में। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए बी और डी स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ए बी और डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 ये रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन से। एक बार फिर क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आप पढ़ लेंगे, ये आपको मिलेगा गिलबर्ट में, या तो नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस इज ऑब्जर्व फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय कंपैटिबल पैथोजन। दो तरीके के रेसिस्टेंट होते हैं, सिस्टमेटिक एक्वायर्ड और इंड्यूस सिस्टमेटिक रेसिस्टेंट। और जो सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट होता है ये कंपैटिबल पैथोजन के इन्फेक्शन से ऑब्जर्व होता है। तो ये ए वाला स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे।
ठीक है, बी स्टेटमेंट गलत है, सी पे आते हैं, ठीक सी पे आते हैं, बी गलत है, आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, तो लगभग सी और डी सही होने चाहिए जब आपका श्योर है कि आप बी गलत है तो। अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन इंड्यूस इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी लीडिंग टू हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स लोकली। ये भी सही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है वो इंड्यूस कर सकता है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, जिससे हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है लोकली, ठीक है ये भी सही है। डी पे आते हैं, NPR1 मोनोमर्स दैट आर रिलीज इन साइटोसॉल ड्यू टू सैलिसिलिक एसिड एक्युमुलेशन इज रैपिडली ट्रांसलोकेटेड टू न्यूक्लियस। ये भी स्टेटमेंट सीधा सीधा लिखा हुआ है गिलबर्ट में, ये भी सही है। तो ए सी और डी ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग वेरियस फीचर्स ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट के बारे में है एंड फोसो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। तो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट और फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन के बारे में चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कौन से दो स्टेटमेंट सही होंगे इसमें। ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा ओनली ए एंड सी बी डी, तो दो ऑप्शन पूछ रहा है कौन से सही होंगे देखना है। एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज हैपेंस बिटवीन सेल्स विथ नो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन। तो ये ऑप्शन सही है, एपोप्लास्टिक जो फ्लोएम लोडिंग होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन नहीं होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा तो वो सिम्प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग होता है। तो ए ऑप्शन सही है। बी पे चलते हैं। ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स जो होते हैं जैसे यंग लीव्स और रूट्स यूजली अंडरगो सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग। ये भी सही है, जो ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स होते हैं जैसे यंग लीव और रूट्स वहाँ पे सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग होता है। दो ऑप्शन आपको सही ढूंढना था, दो ऑप्शन आपको मिल चुके हैं, फिर भी दो ऑप्शन और देखते हैं। मोमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम अकर्स ओनली एट द सोर्स एंड सिंक रीजंस। ऐसा नहीं होता है, मोमेंट जो होता है केवल सोर्स और सिंक रीजंस पे नहीं होता है। डी पे आते हैं। सिम्प्लास्टिक लोडिंग ऑफ सुगर्स इनटू द फ्लोएम अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। जैसा कि मैंने बोला कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है सिम्प्लास्टिक लोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कह रहा है क्या उसके एब्सेंस में होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के एब्सेंस में सिम्प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो डी डी जहाँ पे लिखा है जैसे इस थर्ड वाले में इसको काट दीजिए। ए आपको पता है सही था, ए सही है। अब ए के साथ आपको देखना है सी सही है बी सही है, तो मैंने बताया बी सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो था क्वेश्चन नंबर 107। इस पेपर में बहुत ही आसान था, ये मैच कराने वाला था। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स के बारे में दिया है कॉलम 1 में और देयर एसोसिएटेड फीचर्स इफेक्ट्स या फंक्शंस कॉलम नंबर 2 में। तो आपको किसी फाइटो हार्मोन्स का उसके फीचर से मैच कराना था, तो देखते हैं ऑक्सिन क्या करता है। ऑक्सिन का क्या फीचर है कि उसका पोलर ट्रांसपोर्ट होता है और किसी हार्मोन्स का पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो ए का होगा तीसरा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ए का तीसरा दिया हुआ है, तो और दो ऑप्शन आप काट दीजिए। अब चलेंगे बी पे। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, जिब्रेलिन्स रिमूवल ऑफ सीड डारवेंसी के लिए काम करते हैं। तो ये देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन हमें सही मिल गया, फिर भी चेक करते हैं सी और डी से। साइटोकॉलिन क्या करते हैं, डिलेड लीव सेनेसेंस, ये सही है। इथाइलिन क्या करता है, इपिनास्टिक बेंडिंग ऑफ लीव्स करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम इसी के साथ जाएंगे। ओके अब आते हैं, हम देखते हैं, ये था हमारा पेपर जून दिसंबर 2016 का, ठीक है। और हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में जो कि होगा हमारा जून 2017 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।